शिव पुराण में आज महाकाली का अवतार हुआ। महाकाली ने नृत्य कर सभी दुश्मनों का संहार करते हुए अपना विकराल रूप शांत किया। कथा व्यास पंडित मुकेश महाराज ने बताया कि आज महाकाली की लीलाओं का वर्णन किया गया। कोरोना काल में अपने मरीजों के प्रति समर्पित होने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर मोहबे की पावन स्मृति में शिव महापुराण का भव्य आयोजन अरेरा कॉलोनी भोपाल में रखा गया है। आयोजक शोभा चंद्रशेखर मोहबे, आयुर्वेदिक रतनलाल चंद्रशेखर मोहबे। प्रधान जी, राम मंदिर साउथ टीटी नगर के श्रीमुख से या श्री शिव महापुराण का पाठ और वाचन चल रहा है, जिससे जनता जनार्दन और श्रोता आनंद में हैं। उनकी स्मृति, वो सेवा करते हुए कोरोना के काल में लोगों की मदद करते करते स्वयं ही समा गए। अब परमात्मा से हम और आप यही प्रार्थना कर सकते हैं कि तूने अपने को बुला लिया जो तेरे तूने भेजा था, क्योंकि मनुष्य को भेजता भी परमात्मा है और बुलाता भी परमात्मा है। तो हमारे हाथ में तो केवल आराधना और पूजा ही है, तो उनके पुत्र, उनके परिजन, माताजी और पूरा परिवार मिलकर उनको स्मरण कर रहा है और भगवान शंकर से बारंबार प्रार्थना कर रहा है, नमन कर रहा है कि हे शंकर, उनको सदगति दे, अपने वैकुंठ में विष्णु वास दे। और जिस मनोभाव से ये शिव महापुराण का पाठ करा रहे हैं, परमात्मा उसमें सफल करे। जी नमस्कार, मेरा नाम शमी सरदाना है और आज हम ये पिछले 7 दिनों से शिव पुराण चल रहा है और ये हमारे जो ससुर जी हैं उनकी स्मृति में कर रहे हैं, जो कोरोना में अपने पेशेंट्स को ठीक करते करते जिनने खुद अपना बलिदान दिया है। और आज समापन है और आज हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि 6 बजे तक ही समय है, तो आप लोग जैसा हो पाए प्लीज 6 बजे से पहले आके और इस पूरे प्रोग्राम का भरपूर आनंद उठा पाए। 12 तारीख अपने पहले भी हुआ था कि आज शिव पुराण है और आज पापा की स्मृति में, डॉक्टर चंद्रशेखर महाबी जी की स्मृति में गया था। आज साध वितरण है, आज अंतिम दिन पंडित जी मुकेश महाराज जी हैं यहाँ पे, जो कि पूरा इसके व्याख्यात कर रहे हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप यहाँ पे आए और प्रसाद लीजिए। ठीक ठीक पुराण का अंतिम दिन है, आज समापन है, उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा और इस पे दर्शन करने सब लोगों ने इसका बहुत पुण्य लाभ लिया है और आगे भी ऐसा होता रहे, ऐसी शंकर जी से मेरी प्रार्थना है।